आज हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन और डिस्टर्बिंग मूवी जिसका नाम है अ सॉ द डेविल। तो मूवी की शुरुआत में हम एक कार को सुनसान रास्ते पर जाता हुआ पाते हैं और फिर वो कार सड़क के किनारे रुक जाती है क्योंकि उस गाड़ी का एक टायर पंचर हो गया था। इस कार में एक लड़की थी जिसका नाम जो यू था और वो अपने फियांसे किम को मदद के लिए कॉल लगा रही थी। जो यू जब अपने फियांसे से बात कर ही रही थी तब पीछे से एक स्कूल वैन आती है जिसमें से एक आदमी निकलकर जो यू के पास में आता है और पूछता है कि क्या वहाँ पर कोई प्रॉब्लम है और वो बताती है कि गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। लेकिन उसने अपने फियांसे से बात करके टो करने वाले ट्रक को यहाँ पर बुला लिया है। फिर जोंग उससे कहता है कि यहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा पड़ रही है और शायद से ट्रक को आने में देर भी हो सकती है और इसीलिए वो खुद ही टायर को चेक करने लग जाता है। जो यू का फ़ोन अभी भी चालू था और उसका फियांसे ये कहता है कि जब उसने ऑलरेडी टोइंग ट्रक को बुलाया है तो फिर भी ये आदमी मदद करने के लिए क्यों कह रहा है और उसे कुछ गड़बड़ ज़रूर लग रही थी। जो यू कुछ देर अपने फियांसे से बात करके फ़ोन काट देती है और फिर जोंग उससे कहता है कि उसकी गाड़ी का टायर पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। जो यू उस आदमी को उसकी मदद के लिए थैंकू कहकर ये बोलती है कि कुछ ही देर में टोइंग ट्रक यहाँ पर आ जाएगा, जिसके बाद में वो आदमी उसे बड़ी अजीब तरह से देखकर अपनी वैन में बैठ जाता है। लेकिन वो जाता नहीं है, उसी वैन में ही बैठा रहता है, जिसके बाद में जो यू को भी डाउट होता है कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है। वो अपनी कार स्टार्ट करने की कोशिश कर ही रही थी लेकिन सडनली जोंग उसके पास आकर कार का शीशा तोड़ देता है और गाड़ी में घुसकर जो यू पर भी अटैक करके उसे घायल कर देता है, जिसके बाद में वो जो यू को अपने साथ में ले जाता है। जब जोयू को होश आता है तो वो एक बड़ी अजीब जगह पर थी और जोंग ने उसे बंदी बनाकर रखा हुआ था। यहाँ पर लाने के बाद में ये आदमी पहले जोयू का रेप करता है, जिसके बाद में जोयू बहुत डर गई थी। वो समझ गई थी कि ये आदमी अब उसे मारने वाला है और वो उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में एक बच्चा भी है और इसीलिए वो उसे छोड़ दें। लेकिन फिर भी जोंग उस पर दया नहीं करता और उसे बेरहमी से मार डालता है। फिर कुछ दिनों के बाद में पुलिस को जोयू की बॉडी टुकड़ों टुकड़ों में मिलती है, जिसे देखकर उसके पिता रो पड़ते हैं। और जोयू के पिता खुद 30 सालों से डिटेक्टिव थे और उन्हें यह दुख था कि डिटेक्टिव होने के बाद भी वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। वे किम से माफ़ी मांगते हैं कि वो जोयू को नहीं बचा पाया। किम जोयू का फियांसे था, वो उसे बहुत प्यार करता था और वो अपने फियांसे की मौत से बहुत टूट गया था और डिप्रेस्ड भी रहने लगा था। वो छुप छुप कर रोता था लेकिन उसने कभी भी किसी को अपने आंसू नहीं दिखाए थे। फिर अब देखते हैं कि किम ने अपनी नौकरी से 2 हफ्तों की छुट्टी ली हुई है और किम नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी का एक एजेंट था। फिर एक दिन किम से उसका फ्रेंड मिलता है और उसे एक कैप्सूल देकर कहता है कि जिस किसी के पास भी एक कैप्सूल होगा वो उसे हर वक्त ट्रैक कर सकता है और उसके आसपास की ऑडियो को भी सुन सकता है। लेकिन अगर किसी को इस बारे में पता चल गया तो वो दोनों परेशानी में आ जाएंगे। किम उसके दोस्त को विश्वास दिलाता है कि किसी को कुछ नहीं पता चलेगा और वो वहाँ से चला जाता है। फिर किम के फादर इन लॉ यानी कि जोयू के पिता किम से जोयू के मर्डर के बारे में बात करते हैं और वह ये बताते हैं कि उसने इस केस से रिलेटेड 4 लोगों का पता लगाया है और किम उनके फ़ोटोज़ लेकर वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद में किम उन 4 में से 2 लोगों को बड़ी बेरहमी से टॉर्चर करता है और किम को पता लगता है कि उनमें से किसी को भी कुछ नहीं पता। अब किम तीसरे आदमी के घर जाता है जहाँ पर उसे ये पता लगता है कि वो बहुत पहले ही अपना घर छोड़कर चला गया है और इस बारे में उसके घर वालों को कुछ भी नहीं पता। फिर किम जब उसके घर से निकल रहा था तो वो उस तीसरे आदमी के बेटे को देखता है। वो उससे उसके पिता के बारे में पूछता है, जिस पर वो छोटा बच्चा किम को एक लोकेशन देता है। जब किम उस लोकेशन पर जाता है तो वहाँ पर देखता है कि उस जगह पर लड़कियों की कई सारी चीज़ें पड़ी है। किम वहाँ पर और भी छानबीन करता है और उसे एक गटर से जोयू की रिंग मिलती है जो कि उसने जोयू को दी थी और किम समझ जाता है कि ये जोयू के कातिल का ही घर है। नेक्स्ट सीन में हम उसी किलर जोंग को देखते हैं जो कि अपनी वैन में था और उस वैन में कई सारी लड़कियां थी जिसे वो बड़ी अजीब नज़रों से देख रहा था। और हम देखते हैं कि रात के समय उस स्कूल बस से एक लड़की मिसिंग थी जिसे जोंग ने किडनैप कर लिया था। वो इस लड़की को अपने घर लेकर आता है और उसे सेक्सुअली एब्यूज कर रहा था। तभी कोई उसका नाम पुकारता है और जब जोंग वहाँ पर देखने जाता है तो वहाँ पर किम खड़ा हुआ था। जोंग किम से कहता है कि वो शायद पुलिस ऑफिसर होगा और फिर जोंग किम के ऊपर हंसी से अटैक करता है,
लेकिन किम उससे बचकर जोंग को बुरी तरह से पीटता है। दोनों में बहुत भयंकर लड़ाई होती है और किम उसके मुंह को प्लास्टिक बैग से लपेटकर उसका दम घोट रहा था। और जब जोंग मरने ही वाला था तब किम उसे छोड़ देता है। किम एक बड़े से पत्थर से उसका सर कुचलना चाहता था, लेकिन अगेन वो ऐसा नहीं करता और वहीं पर रुक जाता है। जोंग बेसुध पड़ा हुआ था और किम उसके मुंह में वो कैप्सूल डाल देता है जिसके बारे में जोंग को नहीं पता लगता। और किम उस लड़के की जान बचाता है जिसे जोंग यहाँ पर लाया हुआ था। फिर कुछ घंटों के बाद में जब जोंग को होश आता है तो देखता है कि किम यहाँ से जा चुका है और उसके पास में एक लिफाफा पड़ा हुआ था जिसमें कुछ पैसे थे। जिसे देखकर जोंग को लगता है कि किम शायद एक साइको ऑफिसर था। फिर पैसे लेकर जोंग वहाँ से निकल जाता है और एक कार से लिफ्ट लेता है जिसमें कि दो आदमी थे। लेकिन उसे नहीं पता था कि किम उसकी हर चीज़ को ट्रैक कर रहा था क्योंकि उसके पेट में वो ट्रैकिंग वाला कैप्सूल था। अब कार में आगे जाने के बाद जोंग कार में बैठे हुए दो लोगों को भी मार देता है। और जब वो कार की डिक्की खोल रहा था तो वो देखता है कि उस कार की डिक्की में भी पहले से ही एक लाश मौजूद है, मतलब कि कार में बैठे हुए दोनों लोग भी उसी की तरह क्रिमिनल थे। जोंग इन तीनों की डेड बॉडी को यहीं पर छोड़कर खुद कार लेकर निकल जाता है। जोंग इंजर्ड था और कुछ दूर जाने के बाद में वो डॉक्टर के पास में जाता है ड्रेसिंग करवाने के लिए, जहाँ पर उसकी नज़र एक नर्स पर पड़ती है। जब नर्स एक खाली कमरे में जाती है तो वहाँ पर जोंग पहले से ही खड़ा हुआ था, जिसे देखकर नर्स डर जाती है। जोंग नर्स को डराकर उससे कहता है कि कल रात को वो एक लड़की के साथ में था और उसके साथ में मौज मस्ती करने वाला था, लेकिन एक आदमी ने आकर उसका प्लान चौपट कर दिया और अब वो उस नर्स के साथ में उसके आधे अधूरे काम को पूरा करेगा। नर्स जोंग को उसे छोड़ने को कहती है, लेकिन वो साइको था और वो एक इंसान के रूप में एक जानवर था। जब जोंग उस नर्स को भी सेक्सुअली एब्यूज कर रहा था तो पीछे से किम वहाँ पर आ जाता है और वो जोंग को फिर से खूब पीटता है। नर्स मौका देखकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किम उसे रुकने का कहकर जोंग को तड़पते हुए देखने को कहता है और जोंग को कहता है कि ये तो बस शुरुआत है और ये इतनी जल्दी नहीं ख़त्म होने वाला है। और फिर किम जोंग के पैर में चाकू घुसाकर उसे तड़पाता है और जोंग दर्द के मारे बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जोंग एक कार से बाहर निकलता है और उसके पैर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उसका हाथ भी टूटा हुआ था। वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और तो और उसे ये तक नहीं पता था कि किम उसके साथ में ये सब क्यों कर रहा है। उसे नहीं पता था कि किम उस तक हर बार कैसे पहुंच रहा है। जोंग ट्रैकर को ढूंढने के लिए अपने कपड़े और कार को चेक करता है, लेकिन उसे उसमें कुछ नहीं मिलता। और फिर जोंग दूसरी कार को रोकता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि कार में ट्रैकर लगा हुआ है। इधर किम को उसके फादर इन लॉ का कॉल आता है। वो उसे कहते हैं कि जोंग को टॉर्चर करना बंद कर दे, उसे उसकी गलती की सज़ा मिल गई है और अब पुलिस उससे निपट लेगी। लेकिन किम नहीं रुकना चाहता था। यहाँ पर जोंग एक रेस्टोरेंट में जाकर अपने दोस्तों से मिलता है, जिनमें से एक लड़की थी और एक लड़का। वो दोनों भी जोंग की ही तरह साइको थे। जोंग उन दोनों को अपनी कहानी बताता है कि कैसे एक आदमी उसे बार बार टॉर्चर कर रहा है और हर बार उसे छोड़ देता है। जोंग का फ्रेंड उससे कहता है कि वो बस उसे डराना चाहता है और शायद ऐसा हो सकता है कि वो उसके द्वारा मारे गए लोगों का कोई परिवार वाला हो। जोंग अपने घर पर जाकर सोचता है कि किम कौन हो सकता है। तब उसे किम के हाथ की रिंग याद आती है और वो समझ जाता है कि किम उसे इतना टॉर्चर क्यों कर रहा है। और जिस घर में जोंग और उसके दोस्त रुके हुए थे वहाँ के ओनर को जोंग के फ्रेंड ने कैप्चर कर लिया था और उसकी बेटी को भी पकड़कर वो लेकर आता है और वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन किम वहाँ पर पहुँच जाता है। जोंग का फ्रेंड ये देखकर चौंक जाता है कि किम बिना शोर मचाए यहाँ तक कैसे आ गया, जिसके जवाब में किम कुछ नहीं कहता और उसे खूब पीटता है। वहाँ पर जोंग भी पहुँच गया था, लेकिन वो भी किम का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। किम उन सभी को इतना बुरी तरह से पीटता है कि वो फिर कभी किसी को नहीं मार पाएंगे। किम ने सभी को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया था कि वो बस मरे नहीं थे। फिर अगले दिन इस घर में पुलिस आती है, लेकिन जोंग यहाँ पर नहीं था, उसे किम दूसरे हॉस्पिटल में ले गया था। किम भी इंजर्ड था और उसका दोस्त उससे कहता है कि वो जोंग को छोड़ दे, लेकिन किम नहीं मानता और वो उससे कहता है कि उसे जुर्म की सज़ा मिलना अभी बाकी है। फिर किम का फ्रेंड कहता है कि वो कैप्सूल तब तक काम करता रहेगा जब तक कि वो उसके पेट से बाहर ना निकल जाए। फिर किम जोंग को देखता है जो कि बेसुध पड़ा हुआ था, लेकिन जोंग बेहोश नहीं था, वो बस बेहोश होने का नाटक कर रहा था। वो उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है और उसे ये भी पता लग जाता है कि किम उसकी लोकेशन हर बार कैसे पता लगा लेता है। और हम देखते हैं कि एक बार फिर किम जोंग को उठाकर एक सुनसान जगह पर फेंक देता है
ताकि वो फिर से क्राइम करे और वो उसे एक बार फिर से सबक सिखा सके। लेकिन इस बार जोंग को सब पता लग गया था कि किम कौन है, वो उसे टॉर्चर क्यों कर रहा है और उसने उसकी बॉडी में ट्रांसमीटर लगाया हुआ है। किम उसकी सारी बातें सुन सकता था और फिर जोंग कहता है कि उसे पता है कि किम ने उसके अंदर ट्रांसमीटर लगाया हुआ है और उसने ऐसा गेम अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं खेला है। उसे ये भी पता लग गया है कि वो जोंग यू की मौत का बदला ले रहा है, लेकिन अब खेल में और ज़्यादा मज़ा आएगा। उसे ये भी पता है कि जोंग यू का घर कौन सा है और किम को अफसोस होने वाला है, क्योंकि उसके पास इतने सारे मौके थे जोंग को मारने के लिए, फिर भी उसने उसे नहीं मारा और ज़िंदा छोड़ दिया। जोंग किम के दिल को चोट पहुँचाने के लिए उसे कहता है कि जब वो उसके फियांसे को मार रहा था तो उसने उससे एक बात कही थी कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बारे में शायद उसने किम को भी नहीं बताया था। जोंग यू ने उसे ज़िंदा छोड़ने की मिन्नतें मांगी, लेकिन उसने उसे नहीं छोड़ा। और फिर जोंग एक मेडिकल स्टोर में जाकर खूब सारी लूज़ मोशन की दवाइयाँ खा लेता है, जिससे कि उसे लूज़ मोशन होता है, और वो उस कैप्सूल को दूसरे आदमी में डाल देता है। अब किम को ये नहीं पता था कि जोंग आखिर कहाँ है, इसीलिए वो उसके फ्रेंड से जोंग के बारे में पूछता है और वो बताता है कि जोंग बहुत ही खतरनाक साइको है। किम ने उसे जितना टॉर्चर किया है वो उससे कई ज़्यादा उसके फियांसे की फैमिली को टॉर्चर करेगा, वो उन सभी को भी मार देगा। और ऐसा करने के बाद में किम ने उसे पकड़ा तो उसका उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, और अगर वो जोंग यू की फैमिली तक पहुँच गया तो वो उन्हें तड़पा तड़पा कर मारेगा। और इसीलिए किम जोंग के पहुँचने से पहले उसके फियांसे के घर निकल जाता है, लेकिन जोंग पहले ही पहुँच चुका था। जोंग ने जो यू के फादर को मार मार कर बुरी तरह से घायल कर दिया था और उसने जो यू की बहन को भी मार दिया था, जिसके बारे में जानकर किम को भी बड़ा अफसोस होने लगा था कि शायद उसने उसे पहले ही मार दिया होता तो आज ये दिन नहीं आता। और अब जोंग पुलिस के आगे सरेंडर करने वाला था ताकि किम उसे कभी नहीं पकड़ सके, और वो जल्दी से पुलिस को कॉल करके अपनी लोकेशन बता देता है ताकि पुलिस उसे यहाँ से ले जाए और वो किम के हाथ कभी ना आए और इस गेम में वो किम को हरा दे। जोंग बाहर खड़ा हुआ पुलिस का इंतज़ार कर रहा था और पुलिस भी उसे पकड़ने के लिए उसकी ओर आ रही थी, लेकिन पुलिस के पकड़ने से पहले ही किम वहाँ पहुँच जाता है और जोंग को कार में डालकर उसे उसी जगह लेकर आता है जहाँ पर जोंग ने उसके फियांसे को मारा था। किम जोंग को उसी जगह पर बांधता है जहाँ पर वो सभी लड़कियों को लाकर मारा करता था, और अब किम उसे लगातार टॉर्चर कर रहा था। जोंग उसे उसको मारने की भीख मांग रहा था, लेकिन किम अभी भी उसे यही कह रहा था कि वो उसे इतनी जल्दी नहीं मरने देगा, वो उसे तब तक तड़पाएगा जब तक उसकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दर्द महसूस नहीं होगा, वो उसे तब मारेगा जब उसकी ज़िंदगी में उसे सबसे ज़्यादा दुख महसूस होगा, जब उसकी आंखों में आंसू आएंगे और वही उसका बदला होगा। जोंग अभी भी मौत की भीख मांग रहा था और कह रहा था कि उसमें और दर्द सहने की ताकत नहीं बची हुई है। और अब किम उससे कहता है कि जोंग ने कई लड़कियों से यही सुना होगा कि वो उन्हें छोड़ दे और अब उसे यह दर्द खुद महसूस करना होगा, लेकिन जोंग ये सुनकर हंसने लगा था। वो कहता है कि उसके अंदर कोई डर नहीं है और ना ही उसे किसी चीज़ का दुख होगा। फिर हम देखते हैं कि किम उसे वहीं पर बांध देता है और उसके मुंह में एक रस्सी डालता है, और अगर जोंग उसके मुंह में फंसी हुई रस्सी को छोड़ेगा तो ऊपर लटकी हुई ब्लेड नीचे गिरेगी और उसकी गर्दन वहीं पर कट जाएगी, और अगर किसी ने दरवाज़ा भी खोला तो भी रस्सी खींच जाएगी और फिर से ब्लेड की रस्सी खींचेगी और जोंग की गर्दन कट जाएगी, जिसके बाद में सब कुछ सेट करके किम वहाँ से चला जाता है। फिर पीछे से एक टैक्सी आती है जिसमें जोंग की फैमिली और उसका बच्चा था, और वो उसी घर में एंटर हो रहे थे जहाँ पर अंदर जोंग ये कह रहा था कि वो किसी से नहीं डरता। किम ने ट्रांसमीटर खुद अपने पास में रखा हुआ था और जोंग के पास में स्पीकर छोड़ दिया था ताकि जोंग किम की आवाज़ सुन सके। किम कहता है कि जोंग की फैमिली और बच्चा दरवाजे के बाहर खड़े हैं, उन्हें पता है कि जोंग अंदर है और अगर वो अंदर आए तो रस्सी खींचेगी और जोंग मर जाएगा, और अगर जोंग ने रस्सी छोड़ दी तो ब्लेड ऊपर से आकर उसकी गर्दन काट देगी। और बस इसी पल जोंग को अपनी मौत का डर लग रहा था, वो भी अपने बच्चे के हाथों। उसने कई लोगों को मारा था और अब उसकी खुद की ऐसी हालत है। वो ज़ोर से चिल्लाकर कहना चाहता था कि दरवाज़ा ना खोले, लेकिन अगर वो रस्सी छोड़ देता तो भी मारा जाता। और जैसे ही जोंग की फैमिली दरवाज़ा खोलती है, जोंग के मुंह की रस्सी छूट जाती है और ब्लेड एकदम से नीचे आकर जोंग की गर्दन उसके सिर से अलग कर देती है। और ये सारी हरकतें किम अपने हेडफोन्स में सुन रहा था और उसकी आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि उसने अपना बदला तो ले लिया लेकिन उसने सब कुछ खो दिया। इस मूवी का टाइटल है आई सॉ द डेविल, और इस मूवी में कई लड़कियों ने जोंग की आंखों में डेविल को देखा और जोंग ने किम को डेविल के रूप में देखा,
और यही इस मूवी की स्टोरी थी। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करके कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। और बाकी आप सभी जो अपना इतना कीमती समय देकर मेरे वीडियोस को देखते हैं, उन सभी को बड़ा वाला थैंक यू, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।